इंदौर में रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंग को लेकर हटाए जा रहे मकान के विरोध में अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मांग रखी गई है कि पहले वाल्मीकि समाज के बंधुओं को रहने के लिए निवास दिया जाए, उसके बाद यह कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंग बनाए जाने को लेकर वाल्मीकि समाज की बस्ती हटाई जा रही है। इसी कड़ी में वाल्मीकि समाज से जुड़े समाज सेवी का कहना है कि आजादी के पहले से महाराजा तुकोजी राव द्वारा 23 बस्तियां वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए बनाई गई थी और उसका विकास कार्य किया जा रहा है, जो कि आज भी स्थित है। जो रेलवे क्रॉसिंग में वाल्मीकि समाज की भर्ती आ रही है, उसके लिए रेलवे विभाग द्वारा पिछले 2 दिनों तक इन तमाम मकान मालिकों को नोटिस जमा दिए गए थे। आज जब यह समाज रोजी रोटी के लिए घर से बाहर कमाए जाने का बताया गया, तो अचानक से भारी पुलिस बल लेकर रेलवे विभाग द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। और सरकार से मांग करते हैं कि पहले जिन लोगों के मकान इस रेलवे क्रॉसिंग में जा रहे हैं, उन्हें रहने के लिए घर दिए जाए, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और यदि मकान जबरदस्ती तोड़े जाते हैं तो वाल्मीकि समाज रोड पर आकर धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि इंदौर में स्वच्छता से लेकर अन्य कई आयाम हासिल करने में वाल्मीकि समाज के लोगों का अहम रोल है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को हित मिल सके। गाड़ी का टाइम हो गया। बोले कितना लगता है तेरे को यार? देखिए, ये भंवरपुर हरिजन कॉलोनी, इसमें संपूर्ण वाल्मीकि समाज आजादी के पहले महाराजा तुकोजी राव जी ने हमारी अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समाज की 23 बस्तियों का विकास किया और उनको बनाया, और तभी से वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आजादी के पहले से भंवरपुर हरिजन कॉलोनी में रह रहे हैं, निवासरत हैं। आज रेलवे ने इनको नोटिस दिए, ये सवेरे से काम पे चले जाते हैं, और इनके मकानों में सामान था। महिलाएं, हमारी माँ बहन और पूरे लोग पुरुष भी यहाँ पर काम पर गए थे, और रेलवे ने आकर बलपूर्वक पुलिस के साथ यहाँ पर कार्रवाई की। और जैसे ही हमारे समाज के लोगों को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भैया बगैर बैठ के बात करें, क्योंकि जो 30-30, 35-35, 40 साल से रह रहा है, निवासरत हैं, उनको अचानक आके आप मकान तोड़ दोगे तो ये गलत बात है। हम आज रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, हमने उनसे ये कहा कि आप बैठकर इनको बात करो, वैकल्पिक व्यवस्था इनकी जब तक नहीं हो दूसरे मकान की, या रेलवे कोई बीच में से ऐसा रास्ता निकाले जो इनके मकान व्यवस्थित बने रहें, और या फिर ये अन्य जगह इनको मकान दिए जाएं, तभी इन पर कार्रवाई की जाए। यदि इस प्रकार रेलवे प्रशासन ने बगैर बात किए और बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए अगर दलितों के, अनुसूचित जाति वर्ग के, वाल्मीकि समाज के मकानों को हटाया, तो पूरा वाल्मीकि समाज रोड पे आ जाएगा और निश्चित इस चीज का विरोध करेंगे। और पूरा वाल्मीकि समाज, आज ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष में एक नहीं 5 बार नंबर 1 पे इंदौर शहर को लाकर भारत में इंदौर का नाम रोशन किया है, और उन लोगों को बेघर बार समाज होने नहीं देगा, समाज का नेतृत्व होने नहीं देगा, चाहे किसी कोई भी परिस्थिति बन जाए, डट के मुकाबला करेंगे, और जब तक इनके नए दूसरे मकानों की व्यवस्था नहीं होगी, इनको हटने नहीं। कितने परिवार? वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगभग 178 परिवार हैं, और 178 परिवारों को अलग मकानों की व्यवस्था नहीं होगी जब तक ये इनको हटाया नहीं।